जिसमें लगभग 18 जिलों से जो ऐसी महिलाएं जो उत्कृष्ट महिलाएं हैं जिनको हमने चयनित कर यहाँ बुलाया है। हर एक जिले से लगभग 1 से 2 महिलाओं को हमने चयनित पटना के विद्यापति भवन में आज नारी सम्मान समारोह के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें ये बतलाया गया कि 6 मार्च को पटना में नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाना है। सुनिए इसके व्यवस्थापक ने क्या कुछ कहा है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सुनील सुमन हुआ। हम लोग कोसी आलोक न्यूज एंड प्रोडक्शन के बैनर तले पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर हम लोग नारी सम्मान और मिस एंड मिसेज बिहार प्रतियोगिता का आयोजन किए, जिसमें लगभग 18 जिलों से जो ऐसी महिलाएं जो उत्कृष्ट महिलाएं हैं जिनको हमने चयनित कर यहाँ बुलाया है। हर एक जिले से लगभग 1 से 2 महिलाओं को हमने चयनित कर यहाँ पे बुलाया है और इस बार हम लोग विशेष रूप से उनका सम्मान करने जा रहे हैं, जिसमें सभी महिलाएं आ रही हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग पहली बार पटना में कर रहे हैं और लोगों का काफ़ी रिस्पॉन्स मिल रहा है, काफ़ी लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं। ये प्रोग्राम हम लोग हालांकि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, लेकिन शिवरात्रि की वजह से बहुत सारी महिलाएं उस दिन फास्टिंग वगैरह करती हैं, तो हम लोगों ने महिलाओं की सुविधा के लिए 6 मार्च को कर रहे हैं इस कार्यक्रम को। हमारे साथ सहयोगी के रूप में है NHD से है मिथिलेश राय जी, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला है, और ये भी रौनक शर्मा, ये भी NHD से NHD में ट्रेनिंग देती हैं, ग्रूमिंग क्लास ले रही हैं, ये जो मिशन विशेष बिहार की जो जितने प्रतिभागी हैं उनको ये तैयार करवा रही हैं ग्रूमिंग के लिए। परसों के दिन 6 मार्च को हमारा प्रस्तुति होना है विद्यापति भवन। ये जो भी महिलाएं इनसे जुड़ी हैं, चाहे उद्योग हो, शिक्षा हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, विशिष्ट महिलाएं जो समाज सेवी करती हो, आर्ट एंड कल्चर से हो, सोशल एक्टिविटीज हो, ऐसे महिलाओं का हमने चयन करके यहाँ पे आमंत्रित किया है और वो आ रही हैं। समय हम लोगों ने स्थानीय जो लोग हैं, स्थानीय पत्रकार बंधु से या वरिष्ठ नागरिक हैं उनसे हम लोगों ने सलाह लिया है कि किनको चयनित किया जाए। उन्होंने नाम को सजेस्ट किया है और उन्होंने उनको रिकमेंड किया है, उनके ही मार्गदर्शन से जिले वाइज हमने यहाँ पर चयनित करके आमंत्रित किया है। जी, विशेष माननीय मंत्री लेसी सिंह जी यहाँ पे मौजूद रहेंगे और मुंबई से हिमानी सिंह पुरी जी आ रही हैं, जो काफ़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं। उसके अलावा पटना की मेयर हैं सीता साहू जी हैं, ये भी आमंत्रित हैं गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में। और उप मुख्यमंत्री जी को भी हमने आवेदन दिया है, रिक्वेस्ट किया है और संभावना है कि वो भी इस कार्यक्रम में शामिल। तो आपने सुना व्यवस्थापक ने कहा कि 6 मार्च को पटना में ही नारी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लेसी सिंह जो मंत्री रही हैं पूर्व में और सीता साहू जो वर्तमान में मेयर हैं पटना के, वो भी उपस्थित रहेंगे। उप मुख्यमंत्री को भी संपर्क किया जा रहा है और उन्होंने भी आने की सहमति जाहिर की है। आपको बता दें कि नारियों का जो दिवस मनाया जाना है इसके लेकर के ये तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही है।